जय माता दी। दोस्तों इस टाइम हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे मुक्तेश्वर, जो नैनीताल जिला के अंतर्गत आता है। अभी देख रहे हैं सुबह सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम शनि पुत्राय नमः। आज हम लोग विद फैमिली जा रहे हैं। कंटिन्यू फॉर 17 किलोमीटर्स। घर से निकलते हुए आज हमें काफी लेट हो गया। अभी हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट। यहाँ माँ गंगा के साक्षात दर्शन होते हैं। ये सामने गंगा जी का पुल आ गया है। जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे, घर घर गंगे। दिल्ली से जब हम आते हैं तो सबसे पास हमको यहीं की गंगा जी पड़ती हैं। यहाँ मुरादाबाद में गन्ना की बहुत सारी मिलें हैं। कोसी नदी आ गई। इसी कोसी नदी को पार करते ही हमको लेफ्ट टर्न होता है, यही एक पहचान है। अब आगे कभी होटल आगे दिखेगा, वहीं से रामपुर के लिए हम लेफ्ट हो जाएंगे। Keep right to stay on National Highway 9. ये रहा, बरेली के लिए सीधा है और रामपुर के लिए हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। यहाँ पे एक है दी रिवर साइलेंट आइन। यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं रामपुरी चौक। यहाँ नैनीताल जाने के लिए दो रास्ते कटते हैं। एक हम राउंडअबाउट ऑन टू नेशनल हाईवे 9 बाजपुर होते हुए, कालाडूंगी होते हुए नैनीताल जा सकते हैं। नेशनल हाईवे 9 फॉर 34 किलोमीटर। एक हल्द्वानी होते हुए भी हम नैनीताल जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चस्का पंजाबी ढाबा। अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ कैसी लग रही मैगी? ये रही कुल्हड़ वाली चाय, शुगर फ्री। जय माता दी। दोस्तों आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिला रहा हूँ। ये हैं हमारी धर्मपत्नी प्रीति सिंह और ये है मेरा छोटा बेटा वैभव सिंह और ये मेरी प्यारी लाडो बेटी वैष्णवी सिंह। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज अपने प्लॉट पे मुक्तेश्वर, जो नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। कल वहाँ लिंटर पढ़ना है तो रोज़ वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, तो हमने सोचा कि रेगुलर हम वीडियो तो रोज़ डालते हैं लेकिन अपनी फैमिली से आपको कभी मिलाते नहीं हैं। तो आज हम विद फैमिली जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए थे। अब बेटा मेरा 9th क्लास में जाएगा और बेटी 10th क्लास में, तो थोड़ा बच्चे भी अपने पढ़ाई के बर्डन से फ्री हो गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। आगे चल के आपको वहाँ की वीडियोस दिखाते हैं। Thank you.
अभी हम लोग आ गए हैं रुद्रपुर। Exit the roundabout onto National Highway 109. Continue on National Highway 109 for 800 meters. मंकी वगैरह में बीच रोड में आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो पूरी इनकी फौज लगी। आज मंगलवार है, लोग केले खिला रहे हैं। खाना दे रहे हैं बचा के। आजा, बच के बाबू, बच के। महावीर विनमो हनुमाना राम जास स्वापन। दोस्तों इस जगह पे बहुत ही ठंडक रहती है और हल्की हल्की धूप आ पाती क्योंकि दोनों तरफ यूकेलिप्टस के बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर लगता। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं हल्द्वानी। ये हल्द्वानी शहर है, सामने देख रहे हैं आपको लेफ्ट ऑनटू गली नंबर 10। भीमताल के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सामने से। ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो गया है। मौसम अच्छा होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल। ये देखिए भीमताल लेक। यहाँ रोड एकदम खाली मिल रही हैं। वीकेंड में यहाँ बहुत ही भीड़ हो जाती है। मैं जितने बार भी आया हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ ट्रैफिक कम मिल रहा है। नहीं सब इधर बसें खड़ी रहती हैं, टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं। अभी बच्चों की एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। सबसे तगड़ा वाला शार्क टर्न है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भवाली। अब यहां से हमको जाना है मुक्तेश्वर वाली रोड पे और हम जाएंगे टर्न राइट ऑनटू भवाली रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड। नथुआकान होते हुए जाएंगे रामगढ़ फिर नथुआकान। ये मुक्तेश्वर कंटिन्यू फॉर 15 किलोमीटर्स। ये रोड जा रही दोस्तों मुक्तेश्वर की। ये नैनीताल भवाली इससे काफी ज्यादा हाइट पे है। ये बुरांस के फूल देखो कितने सुंदर खिले हुए हैं और ये पाइन ट्री, वाओ, जो लंबी लंबी पाइन ट्री है। दोस्तों पाइन ट्री वहाँ पाई जाती है जहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है और बर्फ़बारी होती है। इस बार तो क्लाइमेट कंट्रोल ऐसा हुआ कि कहीं भी बर्फ़बारी देखने को नहीं मिली। मौसम बहुत ही ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गाड़ी ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। देख रहे हैं बुरांस के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत सुंदर खिलते हैं। नहीं है ज्यादा बादल हैं, हिमालय तो नहीं दिख रहा है। बादल जैसे ही तो बादल है। बादल
दोस्तों ये जो यहाँ से दो कट हैं देख रहे हैं, अगर हम सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुक्तेश्वर धानाचोली कसिया लेख निकल जाएंगे, और ये नीचे अल्मोड़ा और नथुआ खान के लिए है। इधर से हमारा प्लॉट पास पड़ता है, 4 किलोमीटर इधर से पास पड़ेगा, तो हमें नथुआ खान वाली रोड से ही जा रहे हैं। दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं वेली का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी हम नथुआ खान जा रहे हैं, नथुआ खान यहाँ से 4 किलोमीटर है। दोस्तों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया हुआ है और हम एक जगह मैगी खाने के लिए रुके हुए हैं, कॉर्नर पे एक बहुत अच्छी शॉप है, इनके फ्रेड राइस बहुत ही अच्छे होते हैं और मैगी और बंद वगैरह बहुत ही अच्छा बनाते हैं। जय माता दी। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं।